जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, ये कहावत एक 5 महीने के बच्चे पर सटीक बैठती है। आपको बता दें, देहरादून के एक परिवार को ट्रेन के टॉयलेट में लावारिस हालत में एक बच्चा पड़ा मिला, जिसके बाद बच्चे को वो अपने घर ले आए। जानकारी के मुताबिक जीएमएस रोड व्योम प्रस्त निवासी फैयाज अहमद का परिवार रविवार को ट्रेन से ज्वालापुर से देहरादून लौट रहा था। इस दौरान उस परिवार की महिला सदस्य टॉयलेट गई तो वहां देखकर हैरान हो गई, जहां सामने से एक बच्चा जिसकी उम्र करीब 5 महीने है वो टॉयलेट की जिंदगी में पड़ा हुआ है। महिला उसे गोद में उठा कर ले आई, फिर महिला ने पूरे कोच में सभी यात्रियों से उसके माता पिता के बारे में पूछा, लेकिन कोई सामने नहीं आया, जिसके बाद वो बच्चे को घर ले गए जहां उसको उपचार भी कराया गया, साथ ही इंदिरानगर पुलिस चौकी में इसकी सूचना दी गई। वहीं बच्चे का अभी तक कोई परिजन सामने नहीं आया है। बता दें, फैयाज का कहना है कि वो वैसे उनके परिवार में कई बच्चे हैं, लेकिन अगर खुदा ने इस बच्चे को परवरिश की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है तो वो इसके लिए तैयार हैं। अगर कोई परिजन सामने आएगा तो पुलिस की मदद से जांच पड़ताल के बाद उन्हें सौंप दिया जाएगा। बहरहाल, बच्चे के लिए मसीहा बने इस परिवार के लिए आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।